हेलो बच्चों, चलिए आप सभी का स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। मैं अतिथि श्रीवास्तव मिर्जापुर की टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आप सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मैं नीट से रिलेटेड चीज़ों को बताता हूँ। और चूँकि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ, तो नीट के जो टॉपिक हैं या जेई के जो भी टॉपिक हैं उसको मैं केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको डील करता हूँ। तो आप सभी इस टैग लाइन के साथ हमेशा पढ़िए कि पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, और हर संभव प्रयास सफलता की ओर। तो आप हर संभव प्रयास करें सफलता को पाने के लिए। आप सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बस कोशिश करें, यही मैं कहूँगा। और 2-3 मिनट में आप लोग ज्वाइन कर लें तो अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। प्रखर, कुछ नए स्टूडेंट भी आए हैं, रवि हैं, आलोक है, आप सभी का वेलकम है। रवि जी, आलोक जी, सुहाशिनी, शुभी, सौम्या, वैष्णवी, अंचल के पास मैसेज नहीं जा पा रहे हैं आजकल, तो अंचल इसलिए नहीं आ पा रही। गुड़िया, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। प्रखर, निखिल और हमारे शिव पूजन जी, ठीक है, तो मिस्टर शिव पूजन जी भी आ जाइए जल्दी से, तो फिर स्टार्ट किया जाए क्लास आज की। अजीत, अनुराग, अब देखिए सभी का नाम तो मैं ले नहीं पाता, भूल जाता हूँ, तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें तो फिर क्लास स्टार्ट की जाए। आज एटॉमिक सॉरी आज आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन का दूसरा लेक्चर है, तो 2-3 लेक्चर में ये खत्म भी हो जाएगा। एक दो लेक्चर और लगेगा आज के बाद, लगभग लगभग खत्म हो जाएगा चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैप्टर की बताऊंगा, जो आपसे डेफिनेटली आपसे पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करें। आपका जो टॉपिक है रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, आवर्त सारणी या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक वाला पार्ट जो है वो पहले वाले लेक्चर में खत्म हो चुका है, ठीक है। प्रखर, जिन्होंने नहीं लिया है वो आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें डोबेनियस लॉ और लॉ ऑफ ट्रायड्स ये सब बताया है मैंने, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब बेसिक पता होता है तभी चैप्टर पढ़ने का मन भी करता है और चीजों को हम इजीली, चीजें हमारे पास इजी गोइंग होती है, ठीक है। तो चलिए, आवर्त सारणी में मैंने आपको कल पीरियाडिक टेबल का एक बेसिक पार्ट बता दिया था कि पीरियाडिक टेबल कैसे आप लर्न करेंगे, है ना। कल मैंने एक बेसिक पार्ट बता दिया था, आप सभी आज उसको अगर आपने रिवाइज किया है तो बताइए जरा इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मैंने आपको ट्रिक कैसे बताई थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है। तो बेसिकली आप अभी इस एज में अगर आप पापा से बोलेंगे पापा कार दे दीजिए, स्कूटर दे दीजिए, तो रोने की बात तो नहीं है, लेकिन अभी पापा लोगों को थोड़ा बर्डन पड़ेगा, इसलिए अभी कार स्कूटर ना मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ये लर्न करने का निमोनिक्स है। बाल गंगा इंडियन तिलक, कार्बन कान सिलिकन गदा से पीटो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार, वन सेकेंड सीना टीना पूजा, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का एक्सरे, ये कल मैंने, और यहाँ से हाली ना करब सफर या हरे राम लीना नन्हे कानपुर बाराबंकी से फरार, ठीक है, ऐसा कुछ भी करके याद कर लीजिए। कल यहाँ तक चीजें हो गई थी, कल इसके यहाँ तक चीजें हो गई थी, क्या इसके बाद अब बात बताऊँ आपको, क्या इसके बाद सारी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ। कल मैंने आपको 2-3 चीज कही थी कि एक पीरियाडिक टेबल आप लोग रख लीजिएगा, क्या बोला था मैंने, पीरियाडिक टेबल आप रख लीजिएगा, और इसी में मैं कई चीजें आपको सिखा दूंगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अपने अपने पीरियाडिक टेबल को निकाल लीजिए, जरा जहां पे भी है आपका पीरियाडिक टेबल उसको निकाल लीजिए, साइड में एक पेन ले लीजिए, एक पेन और पेज ले लीजिए, तो
तो मैं धीरे धीरे चीजें बताता हूँ और आप उसको लिखते जाइए, ठीक है। साइड में पेन पेपर ले लीजिए और धीरे धीरे चीजों को लिख लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करें कल के आगे से। ये आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, या इसे आप क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। क्या बोलेंगे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बोलते हैं। आजकल एक नई पीरियडिक टेबल चली है जिसको आप सर्कुलर पीरियडिक टेबल बोलते हैं, हालांकि उसका कोई यूज नहीं है, हम इसी से काम करते हैं अभी तक। तो देखिए, आप आपसे दो तीन चीजें, बेसिक चीजें पूछ रहा हूं आपको। जो ऐसे लाइन जा रही है, इस वर्टिकल लाइन और इस लाइन, ऐसे जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ऐसे लाइन जाएगी क्या बोलेंगे, वर्टिकल, और ऐसे जो लाइन जाएगी उसे हॉरिजॉन्टल। इसके आप इस वाले को शायद ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इसी को बोलते हैं क्षैतिज लाइन, ठीक है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही बोलूंगा। तो यहाँ देखिए, आपकी जो वर्टिकल लाइन है, ऊपर से नीचे कितने लाइन आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, दूसरा ये आ रही है, देखिए तीसरी ये है, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं। टोटल कितनी लाइन आपको दिख रही है, जरा जल्दी से बताइए कितनी लाइन दिख रही है। क्या ये 18 लाइन दिख रही है? क्या आपको 18 लाइन दिख रही है क्या? तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है कितनी हो गई 18। तो 18th आपकी जो वर्टिकल लाइन है, 18 वर्टिकल लाइन, इसे आप क्या बोलते हैं, ग्रुप। ये आपका ग्रुप होता है, 18 वर्टिकल लाइन क्या होती है, ग्रुप होती है। अब जरा हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ के बताइए कितनी है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? पीरियड। तो आपको 7 क्या दिख रही है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो आपके पीरियड कितने होंगे, 7। तो 7 पीरियड होंगे और 7 पीरियड होंगे और 18 ग्रुप होंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये लाइन लिख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये वाले जो दो पार्ट दिख रहे हैं ना, पहली और दूसरी लाइन, जो पहला और दूसरा आपका ग्रुप है, इसको आप बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये होता है एस ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट इसे बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। साइड साथ साथ लिखते रहिएगा। ये जो इधर आपको जो दिख रहा है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं। इन द सेम वे, ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एस पी डी एफ। ये आपके ब्लॉक्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एस पी डी एफ। अब थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, जो एस ब्लॉक के साथ साथ लिखते रहिएगा आप लोग, जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है और जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसे आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट।
और जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन। ये फटाफट लिख लीजिए आप लोग, फटाफट लिखिए। एस और पी को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो भी आउटर मोस्ट होगा, चाहे वो एस हो या वो पी हो, वो पूरी तरह से फुलफिल रहता है, फुल रहता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन भी उसी में जाता है, मतलब और किसी ऑर्बिटल में नहीं जाता है। मतलब और किसी ऑर्बिटल का मतलब ये है कि उसके उस वाले ग्रुप में किसी और ऑर्बिटल में नहीं जाता, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एन माइनस वन में जाता है और इसमें एन माइनस टू में जाता है। ये होता है ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। एस वाले में क्या हो जाएगा? ये एस और पी में एन में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एन में जाता है, ये एन माइनस वन एन माइनस टू में। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे रवि बताओ, जैसे मान लो वन टू थ्री, अगर मैं थर्ड सेल को एन बोल रहा हूँ, थर्ड सेल को एन बोल रहा हूँ, तो एन माइनस वन क्या हुआ? सेकेंड वाला सेल। एन माइनस टू क्या हुआ? फर्स्ट वाला सेल। तो ये होता है एन माइनस वन एन माइनस टू। तो बेसिक चीज समझ में आई। एस और पी को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। डी को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। एफ को क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन। यहां से भी एक बार देख लीजिए आप लोग, ये वाला क्या है? एस ब्लॉक का एलिमेंट। ये वाला क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट। ये वाला क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। ये वाला क्या है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट। ये ध्यान रखिएगा नाम। ये लिख लीजिए, फिर मैं रब करके फिर यहीं पे बताता रहता हूं आपको, सारी चीजें यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे जो एलिमेंट है ये वाला ये दिख रहा है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसको आप बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट, या इसे आप बोलते हैं नोबल गैस, नोबल एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। ये नोबल गैस एलिमेंट है ये, इसको आप बोलते हैं हैलोजन फैमिली, इसे आप क्या बोलेंगे? हैलोजन फैमिली। ये हैलोजन फैमिली होती है, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। जो 16th ग्रुप है इसको आप बोलते हैं कैल्कोजन फैमिली, कैल्कोजन फैमिली। इसको बोलते हैं पिनेकोजन, ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, बट पिनेको का मतलब होता है जो पॉइजनस हो, जैसे नाइट्रोजन आपका होता है, अमोनिया गैस थोड़ी सी पॉइजनस होगी, फास्फिन गैस और ज्यादा पॉइजनस होगी, तो इसका नाम इसका पिनेकोजन होता है। ये वाली फैमिली का नाम होता है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। इसका नाम होता है बोरान फैमिली, बोरान फैमिली। ये आपका पिनेकोजन है, ये आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इसे। जीरो ग्रुप नोबल गैस, हैलोजन, कैल्कोजन, पिनेकोजन, कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर जो 57 है, देखिए 56 यहाँ है, जैसे आपका जो पीरियाडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, फिर इसका 3 होगा तो इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 11, 12, 13, 14 ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 56 के बाद 71 आ गया, 56 के बाद क्या आ गया? 71। तो 56 के बाद जो 57 है, ये वाला जो F ब्लॉक एलिमेंट है, ये किस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है? लैंथेनम से, लैंथेनाइड से, देखिए लैंथेनम से, इसलिए इसका नाम होता है, इस सीरीज का नाम होता है लैंथेनाइड सीरीज, ये भी लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं लैंथेनाइड, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लीजिए, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड, या ये लैंथेनम सीरीज है। और ये वाला जो है एक्टिनाइड से स्टार्ट होता है, इसका नाम होता है एक्टिनियम सीरीज, ये लैंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड सीरीज है, ये लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है। गोल्डनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, 64 का ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे नीट में आए हुए क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लैंथेनम के नीचे जो है समरेंशियम, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। गोल्डनियम का पूछा गया है तो गोल्डनियम का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो उसमें से अभी चेक करना चाहते हैं तो अभी चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे चेक करके पढ़ लीजिएगा 64 का। बाकी मैं बता देता हूँ एक बार, 64 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने एनसीईआरटी अपने पास रखी है,
एग्जाम के समय में आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। 64 का यहाँ लिख दूं क्या मैं, यहाँ लिख दूं, फिर इसको मिटा दूंगा, है ना। ये है 4F7 5D1 6S2। अभी मैंने आपको बताया कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वहां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, N-2 में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, N-2 में। तो N-1 ये हुआ, N-2 ये हुआ, ठीक है। तो ये गोल्डनियम का याद रखिए, थोड़ा एक्सेप्शन है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, याद रखिए। यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे पढ़ाऊँ। सुपोजन आगे चलें, सुपोजन आगे चलें, प्रखर, निखिल, शुभी, गुड़िया, अंचल, ठीक है। तो यहां तक हो गया, आपको समझ आ गई बातें। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें और बता देता हूं आपको। यहां पे देखिए, आपको कहीं पे यूरेनियम दिख रहा है क्या, इसमें कहीं पे आपको यूरेनियम दिख रहा है, इसको हटा दे रहा हूं। एक बार आप लिख लीजिए पीरियडिक टेबल पे साइड में अपने, कहीं आपको यूरेनियम दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा हो तो जल्दी से बताएं यूरेनियम कहां दिख रहा है, यूरेनियम, थोरियम। इंडिया में आपने सुना ना एटॉमिक बम, एटम बम बनता है, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो हम जो न्यूक्लियर स्टार्ट करते हैं इंडिया में, वो बेसिकली उस जो प्लांट है इंडिया में, वो यूरेनियम से रिलेटेड है, ज्यादातर यूरेनियम से। इंडिया थोरियम का बहुत अच्छा वो है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोरियम बहुत मिलता है इंडिया में, लेकिन यूरेनियम से हम चलाते हैं, यूरेनियम ज्यादा अच्छा माना जाता है, और उसको हम ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं, जापान से खरीदते हैं। अभी अभी एक रिसेंट में, एक मुझे लगता है 6-7 महीने होंगे हुए होंगे, एक प्लांट, एक माइंस खोजी गई है यूरेनियम की इंडिया में भी, ये जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे। तो ये तो आपका जीके का सब्जेक्ट हो गया। देखिए यूरेनियम यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ इसे टिक भी कर लो, यूरेनियम। यूरेनियम से जो आगे के एलिमेंट है, जैसे नेपच्यूम है, प्लूटोनियम है, अमरेंसियम है, बर्केलियम है ना, ये जो है नोबेलियम है, मेंडेलिनियम है, तो ये सारे जो होते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर एलिमेंट यूरेनियम से बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, क्यों, क्योंकि ये आपके जो होते हैं आपके एलिमेंट यूरेनियम से बनाए जाते हैं, या इसे मैनमेड भी बोलते हैं। मैनमेड मतलब आदमी, इसे ह्यूमन ने खुद भी बनाया है। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो देखिए पीरियडिक टेबल, बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें और बता दूं, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। 18 लाइन आपको दिख रही है वर्टिकल, ठीक है, तो 18 आपके ग्रुप हो गए। 7 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, तो 7 आपके पीरियड हो गए। इधर वाले जो एलिमेंट है उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी में जाएगा, इसको आप पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, इसको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। एस और पी को क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है प्रखर, शुभी, शुभी। डी को क्या बोलेंगे बेटा, शुभी डी को क्या बोलेंगे, जल्दी से लिख के बताओ, डी को क्या बोलेंगे, डी को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अंचल बताओ ये एफ को क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। रवि अब तुम बताओ, रवि बताएगा इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं रवि, जल्दी बोलो, नोबल गैस, नोबल गैस एलिमेंट। इसे क्या बोलते हैं, सभी लोग बताइए, हैलोजन। इसे क्या बोलते हैं, कैल्कोजन। इसे क्या बोलते हैं, पिनेकोजन। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। इसे क्या बोलते हैं, बोरान फैमिली, ठीक। जो लेंथ
जो नीचे वाले एफ ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनाइड से स्टार्ट होता है इसलिए इसका नाम क्या होगा, लैंथेनम। एक्टिनाइड से स्टार्ट हुआ इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्टिनियम। तो ये आपके आपको किसका याद रखना है, गोल्डिनियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, फोर एफ सेवन फाइव डी वन और 4 6 S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाले जो एलिमेंट है इसका नाम याद रखिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन का बेसिक चीज हो गया, ठीक है, बेसिक चीज हो गया। अब मैं आपको और चीजें बता रहा हूं और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। आप अभिषेक समझ आ रहा है, बच्चे अजीत, अनुराग, आशा करके एक स्टूडेंट आई थी, ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब देखिए नामनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, इसके पीछे की कहानी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं तो कहानी नहीं बताऊंगा अब आपको। आपको सिर्फ कुछ कुछ चीजें याद करनी होंगी जिसको मैं चाहूंगा कि आप उसे लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, लिख लेंगे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। अब देखिए इसमें जो डिजिट होती है, हाँ डिजिट, जैसे मान लीजिए जीरो है, जीरो को हम लिखते हैं, निल, ठीक है। वन को लिखते हैं अन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दो, टू को लिखते हैं बाई, थ्री को लिखते हैं, अभिषेक देखो थ्री को लिखते हैं ट्राई, फोर को लिखते हैं क्वाड, क्वाड आपने अभी पढ़ा होगा ना कि क्वाड कंट्री बनी हुई है, क्वाड कंट्री जिसमें इंडिया भी एक सदस्य है, जीके का क्वेश्चन है। क्वाड, क्वाड मतलब होता है चार, इंडिया, क्वाड कंट्री में कौन कौन सी कंट्री, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, ये सब मिलके चाइना को काउंटर करने के लिए ये कंट्री बनी है, उसका भी नाम है क्वाड। तो क्वाड का मतलब होता है चार। अब इसमें क्वाड में और कंट्री आते जाएंगे तो हो सकता है इसका नाम फ्यूचर में चेंज कर दें, लेकिन अभी चार कंट्री इसलिए इसका नाम क्वाड रखा है। पांच जो अगर आपका डिजिट होगा तो इसको आप बोलेंगे पेंट, सिक्स होगा तो इसको बोलेंगे हेक्स, ये लिख भी लीजिए साथ साथ में, सेवन होगा तो इसे बोलेंगे हेप्ट, हेप्ट, एट होगा तो इसे बोलेंगे ऑप्ट, नाइन होगा तो उसे बोलेंगे इन, इन ई डबल एन, है ना, ये ध्यान रखिएगा। वन को अन बोलेंगे, नाइन को इन बोलेंगे, इसमें नाइन को नून नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जरा ये लिख लीजिए आप नॉमेनक्लेचर में जो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 का लिखना है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगा, खुद इम्पॉर्टेंट चीज जो कि नीट में लगभग लगभग क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आने के चांस होंगे, ठीक है। लिख लिया, चलिए अब देखिए अब इसकी नेमिंग सिखाता हूं मैं आपको, इसकी नेमिंग सिखा, हालांकि बता दिया था कल मैंने, थोड़ा हिंट तो दिया ही था आपको बट फिर भी बता देता हूं। और एक एक बच्चा एक एक नाम बताएगा, एक एक बच्चा एक एक नाम बताएगा, ठीक है। अब कौन किसका नाम बताएगा वो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिए। देखिए अब नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 101 है, एटॉमिक नंबर आपका 101 आया, तो वन को क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं अन, जीरो को क्या बोलते हैं निल बोलते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए अन निल, फिर अन को क्या बोलेंगे अन बोलेंगे, है ना। और लास्ट में ईएम लगा दीजिए, क्या लगाएंगे लास्ट में ईएम, तो यहाँ आई यू एम लास्ट में आप ये लगा दीजिए आई यू एम। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूँ, तो 101 101 का नाम क्या होगा अन निल अनियम। निखिल बताओ इसका नाम क्या होगा, अन निल बाइनियम, ठीक है निखिल। प्रखर इसके आगे आपका नाम बताइए, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक एक नाम अपने से बताइए, शिव पूजन आलोक रवि सुहाशिनी रीटा, सब लोग एक एक नाम बताओ। चलो बस इतने का नाम बता दो, बताओ दो चार मैं बता देता हूँ, आप बाकी अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। दो चार मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 113 का मैं बताता हूँ, इसका क्या होगा वन है तो इसका क्या नाम होगा अन अन, दूसरा भी वन है तो इसका नाम क्या होगा अन अन, तीन है तो इसका नाम क्या होगा ट्राई ट्राई नियम ट्राई ट्राई नियम, इसका नाम क्या होगा अन अन क्वाडनियम, ठीक है ऐसे ही रख लीजिए। इसका नाम बताओ अन निल, छे को क्या बोलेंगे हेक्स हेक्सानियम हेक्सानियम, ठीक है। तो ये आप सभी का नाम में लगा देंगे, इस तरह से आप इसके 100 से ज्यादा जो भी एलिमेंट है उनकी आप नेमिंग कर सकते हैं। तो इसे भी आप लिख लीजिए अपने नोट्स में और इसे बना लीजिए, एक मिनट के बाद मैं आगे चलता हूँ। पढ़ाते समय एकदम बोर्ड पे देखिए और एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, है ना। जितना खुश होकर पढ़ेंगे जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। चलिए ये तो हो गया आपका नॉमेनक्लेचर। अब इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो यहां पे आपको ये याद रखना है कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डी और एफ का पूछा जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आप इसे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो ये समझिए, लिख लीजिए आप इसे, पहले तो ये समझिए पहले तो ये समझिए कि एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते किसे हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते किसे हैं। अगर लास्ट का आखिरी फिल करते समय जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल में एंटर करे उसको उसी और उसी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। जैसे वो अगर एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो उसे बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट,
पी में एंटर करेगा तो उसे बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में एंटर करेगा तो उसे बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, और अगर एफ में एंटर करेगा तो निखिल क्या बोलेंगे उसे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अगर वो एस में एंटर कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलेंगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या होगा पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो उसे पी ब्लॉक, इसमें क्या होगा डी, इसमें क्या होगा एफ। ठीक है, ये लिख लीजिए फटाक से, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करेगा तो ऑर्बिटल, पी में एंटर करेगा तो पी ब्लॉक, डी में एंटर करेगा तो डी ब्लॉक, एफ में एंटर करेगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपसे पूछा जाए अगर एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1-2 होता है। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1-2। क्यों, क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम दो, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तब भी एस का होगा और दो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तब भी एस का ही होगा। लेकिन याद ये रखना है कि एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आउटर एस एन जाता है, आउटर एन मतलब इनर कहीं नहीं जाता, इसलिए लास्ट एन की हम बात करते हैं। सेम अगर मैं पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो NS2NP, पी में 1-6 जाएगा, पी में जितने ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं पी में क्या हो जाएगा NP1-6, ये पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कभी कभी पी के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए जरा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब आपको पता है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट में जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो उस केस में ये देखिए पी ब्लॉक का हो गया, उस केस में क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी का क्या होगा, N-1 के डी में जाएगा। ठीक, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेके 10 तक, और एन एस के कहाँ कहाँ जाएगा, 1 और 2। एनसीईआरटी ने तो हालांकि इसको इसको 10 लिखा है और इसको 2 लिखा है, बट एक्चुअल होता क्या है कि जैसे कहीं एक्सेप्शन भी है तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे क्रोमियम का है या कॉपर का है तो आप एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करा देते हैं, आपको याद होगा, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ जंपिंग वाला जो केस है, तो ये N1-10 और NS1-2 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक का क्या होगा, इसका ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ का जाएगा, N-2 के F में जाएगा, N-1 के D में जाएगा, NS ऐसा जाएगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप फिल करेंगे तो क्या होगा, इसमें तो 2 ही जाएगा। ठीक, D की अगर मैं बात करूँ तो D में ये देखा गया कि 0-1 इसमें भी 2 होता है एफ ब्लॉक में, मतलब क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड का अलग से जाता है, एक्टिनाइड का अलग से जाता है, तो यही दो चीज आप याद रखिएगा। और एफ में कहां तक जाएगा, 1-14, तो एनसीईआरटी ने यही लिखा हुआ है, आप भी यही याद रखिएगा, यहां 0-1 जाता है डी में, 0-1 जाता है डी में। तो कहीं कहीं आपका एक्सेप्शन भी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया गोल्डिनियम का एग्जाम्पल लिया था, गोल्डिनियम में, अच्छा गोल्डनियम में भी डी में 1 ही जा रहा था, तो याद रखिएगा डी में 1 ही जाता है, 0-1, तो डी पूरा नहीं फिल होता इनका, और ये आपका 1-14 ये फ्रैक्चर करता रहता है। तो ये आपका एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नीट एज वेल एज जेई, जेई में भी ये चीज़ पूछी जाती है।
मीन्स में है ना, तो इसको देख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए और समझ भी लीजिए। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसको देख लीजिए वीडियो को, 1s2 2s2 2p6 करके देखेंगे तो हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए इसे, जल्दी जल्दी कर लें। तो मैं इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और उसको बता के फिर क्लास को बाइंड अप करूंगा और फिर अगले एक दो क्लास में मैं इस चैप्टर को ही पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो ये लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया आपने, चले आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ और बेटर होगा कि इसके लिए थोड़ा हमें पीरियडिक, आप अपना फिर से पीरियडिक टेबल खोल लीजिए क्योंकि मैं आपको यहाँ बताता जाऊँगा, आप पीरियडिक टेबल का यूज करते जाइएगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है जो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा है, फाइंड द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, फाइंड द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ये पूछा जाता है कि ये कौन से ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। क्या करेंगे आप, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, फाइंड द ग्रुप पीरियड और ब्लॉक। अब इस पे देखिए, सीधे सीधे मैं आपको बताता भी हूं और क्वेश्चंस भी कर देता हूं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी पीरियड की बात करें तो सबसे पहले पीरियड के लिए बात करते हैं, इसका पीरियड क्या है, पीरियड का मतलब होता है आवर्त, आवर्त बोलते हैं हिंदी में, ग्रुप का मतलब होता है वर्ग, ठीक। तो इसका आवर्त क्या है, इसका पीरियड क्या है, मान लीजिए मुझे बोला सोडियम का दे दिया 11 दे दिया, ये वाला जो एलिमेंट है इसका पीरियड क्या होगा, तो आपको ये एक ही काम करना है, सबसे पहला काम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 के टर्म में, 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए 6 2 8 2 10 11, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, और इसको यूं करके फिल करते हैं, ये आपको बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ऐसे करके फिल, तो सबसे पहले जिस भी एलिमेंट के बारे में पूछा जाए उस एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन यही है, उस का आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाए, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो आप उसे बोलेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट, पी में जाता तो मैं बोलता पी का एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कैसे चेक करें, 2 2 4 6 10 ग्यारहवां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया यानी एस में गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है।
पीरियड की बात करूं तो जो लास्ट सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, जो सबसे बड़ी नंबर होती है, जैसे यहाँ पे जो आपका सेल का जो सबसे बड़ा होता है 1 2 3, 1 2 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। तो जो सबसे लार्जर नंबर होती है 3, तो लार्जर नंबर वो क्या होती है? वो होती है पीरियड। ठीक है, तो ये किसका एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड का है। तो इसका मैं पीरियड अगर लिखूं, फिर थर्ड पीरियड का है अगर ब्लॉक लिखूं, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो दो चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्जेस्ट नंबर जो भी आएगा वो क्या होगा? पीरियड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? उस ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ग्रुप को फाइंड आउट करने में, तो ग्रुप से पहले हम कुछ और भी एलिमेंट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे मैंने मान लीजिए 26 एलिमेंट आयरन का इलेक्ट्रॉनिक बोला, इसका मुझे पीरियड बताइए, इसका ग्रुप बताइए। कैसे बताएंगे? देखिए कैसे बताते हैं। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2 जाएगा ना, पहले आपका 4s2 जाएगा, 4s2, 3d6। देखिए यहां मैंने आपको सिखाया है, फिर से अगर आपको भरना है तो यही वाला रूल लगाइएगा आप, बाउ प्रिंसिपल 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे करके आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो आपने ये भराया, भर दिया। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है? क्या? तो इसका ऑर्बिट, इस ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा इसका पीरियड होगा? कौन सा सबसे ज्यादा नंबर कौन सा दिख रहा है इनका? 4। तो ये होगा फोर्थ पीरियड। दो चीज को मैं जरा वेरीफाई कर लेता हूं, एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपने 35 कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 35, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने फिल करने की कोशिश की। अब 35 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो देखिए इसे कैसे फिल करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? जी होगा, देखिए एक बार चेक कर लीजिए। आलोक सही है, ये रवि, प्रखर सही लिखा मैंने? सही लिखा है, देख एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे? इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? पी में। तो ये ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक कौन सा होगा? पी। इसका पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ पीरियड। पीरियड क्या होगा? फोर्थ पीरियड। अब जरा इसको हम चेक करते हैं, तीनों ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला था आपका 11, ठीक है, 11 एस ब्लॉक और थर्ड पीरियड। जरा देख लेते हैं 11 का एस ब्लॉक और थर्ड पीरियड है क्या, देखिए 11 वाला कहां पे पहुंच रहा है आपका? 11 वाला कहां पहुंच रहा है? एस ब्लॉक में पहुंच रहा है, बताया था मैंने। किस पीरियड में आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, किसे पीरियड में आ रहा है? तो ये चीज यहां तक सही है। ठीक है, अभी मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने आपको पीरियड की बात बताई और ब्लॉक का बताया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है, जो लगभग आता ही है। और फिर दो टॉपिक में आप इस चैप्टर को भी बाइंड अप कर देंगे मैक्सिमम। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक और एलिमेंट बताया था 26, जरा 26 को देखिए। 26 का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया था? डी में। आपने बोला था ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये देखिए आपका, आपने इसको बोला था फोर्थ पीरियड, लार्जेस्ट नंबर क्या था? फोर्थ। तो ये क्या बोला था आपने? फोर्थ और डी। जरा इसे टैली कर लीजिए 26 को, फोर्थ पीरियड और डी ब्लॉक एलिमेंट।
फोर्थ पीरियड और डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट फोर्थ पीरियड है। अब इसका 35 नंबर आपने लिखा है, 35 को यहाँ देखिए आपने क्या लिखा, पी ब्लॉक एलिमेंट फोर्थ पीरियड, 35 कहाँ गई है, 35 ये, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पे जा रहा है आपका, देखिए फोर्थ पीरियड में जा रहा है ना, फोर्थ पीरियड और पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ग्रुप और पीरियड निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम, ग्रुप या पीरियड निकालने में कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। अब मैं आपको सॉरी ब्लॉक और पीरियड निकालने में, ग्रुप तो अभी बताया नहीं मैंने, ब्लॉक और पीरियड निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी नहीं चाहिए फिलहाल। तो ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, जिसमें अंत में जाए, और पीरियड के लिए क्या करेंगे, पीरियड के लिए आप क्या करेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट सेल का नंबर हो एन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप, ग्रुप ग्रुप में देखिए अगर वो एस ब्लॉक, पहले आप ग्रुप को निकालते समय वो ब्लॉक देखिएगा किस ब्लॉक में जा रहा है, अगर वो एस ब्लॉक का में जा रहा है, अगर वो एस ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है, तो वो अब एस में दो ही तरह से जा सकता है, वो या तो 1s1 हो या 1s2 हो या 2s2 हो या जैसा भी हो, ठीक है, 3s1 3s2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि 1s में ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है, 1s1 1s2 कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा 1s1 अगर s के में के 1 में जाए, एस के वन में जाए तो हम इसे बोलेंगे फर्स्ट पीरियड, और एस टू में जाए तो इसे हम बोलेंगे सेकंड पीरियड, सॉरी सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप, ऐसे क्या बोलूंगा सेकंड ग्रुप, एस के वन में गया तो फर्स्ट ग्रुप, एस के टू में गया तो सेकंड ग्रुप। अब जरा हम बात करते हैं पी ब्लॉक के, अगर वो पी ब्लॉक में हो तो, ये कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, समझ नहीं आता है, एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। पी ब्लॉक देखिए, जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसका ग्रुप निकालने के लिए जो रूल है वो क्या करेंगे, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इन आउटर पी ब्लॉक और बैठिए, ये आपको करना है, 12 प्लस पी ब्लॉक और बैठ, ठीक है, याद रहेगा। या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 10 प्लस, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं 10 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर एस प्लस पी, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। अब पहले से समझ लीजिए, अगर मैंने 35 की बात की, ध्यान से समझिए, मैंने आपको तीन बताया ना, एक 11 बताया, एक 26 का बताया और एक 35 का बताया, एक 11 का बताया, एक 26 का बताया, एक 35 का बताया, है ना। 11 में आपने देखा था ये कहाँ पे जा रहा था, 3s1 में, ये एस ब्लॉक का है, अगर एस ब्लॉक का है तो कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप, तो ये इसका ग्रुप क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। 26 ये डी ब्लॉक का है, तो अभी मैं डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं 35 का। तो 35 में आपने देखा था कि ये 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जरा देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट
4s2 4p5। देखिए लास्ट में अगर आप देखें, लास्ट में d नहीं, लास्ट मतलब क्या है, फोर्थ वाला। लास्ट क्या है, फोर्थ वाला, लास्ट वाला d नहीं है तो लास्ट वाला फोर्थ वाला है। तो 4s2 और 4p5, 4s2 4p5, यहाँ आइए 35 को लिख देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा सब कुछ, 35 वाले में लिखते हैं। क्या है, 4s2 4p5। तो अगर मैं ये वाला रूल लगाऊं, 12 प्लस आउटर मोस्ट पी का, तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 5 क्या हो गया, 17, 17th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं ये रूल लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, 10 प्लस, देखिए आउटर मोस्ट एस और पी का, तो आउटर मोस्ट एस और पी का क्या हुआ, 2 प्लस 5 आ गया 17, अभी भी 17 आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा, मैं बोलूंगा कि ये वाला याद रखिए ज्यादा अच्छा, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट पी, क्योंकि पी तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 12 ऐड कर दीजिए, आपका वो ग्रुप को दे देगा। क्लियर है इतनी बातें, क्लियर है इतनी बातें। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से सुनिए इसको। पीरियडिक टेबल देखो सभी लोग, अगर ये कभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। आगे सब लोग अपने पीरियडिक टेबल पे, सुहाशिनी, शुभी, प्रखर, शिव पूजन, अब मुझे बताओ जरा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने भरा था, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया था, तो कैसे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया था, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते समय या जो पीरियडिक टेबल है उसको कैसे अरेंज किया है, क्या आपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में इंक्रीज किया है, क्या पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां, आठवां, नौ, ऐसे किया ना, ऐसे किया कि नहीं। तो अब जरा यहाँ देखिए, क्या यहाँ पी ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक अगर आपने एलिमेंट को भर दिया है तब जाके पी ब्लॉक का स्टार्ट होगा, यहाँ तक एलिमेंट को भर दिया है फिर क्या स्टार्ट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट होगा। तो अब मुझे बताइए, यहाँ से क्या आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, क्या आपने 12 पहले से भर दिया है, क्या क्या आपने 12 पहले से भी फिल किया, उसके बाद आप 13 पे आए हैं, उसके बाद आप 13 पे आए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12 प्लस आउटर पी में जो भी प्रेजेंट हो, आउटर पी में जो भी प्रेजेंट हो उसे ही आप उसे ही आप क्या बोलेंगे, वही उसका ग्रुप है। तो देखिए जो 35 था, 12 और ये आउटर 5 था, आउटर कितना था, 5 था, इसलिए क्या हुआ आपका 17th ग्रुप हुआ। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, 1s2 2s2 2p 3 3 2 5 6 7, ठीक है, पी में है, लास्ट कहाँ गया, पी में, तो क्या करना है, 12 प्लस 3 कर दीजिए, देखिए 15 आ गया। तो पी वाले के लिए क्या करना है, 12 प्लस जितने पी में प्रेजेंट है वो डाल दीजिए, 12 प्लस जितने पी में प्रेजेंट है वो डाल दीजिए। क्लियर है इतनी बातें, क्लियर है इतनी बातें। अब जरा डी में आ जाते हैं, अब जरा डी में आ जाते हैं, और आप इसे अब लिख लीजिएगा ना, इसको लिख लिया आपने, ये लिख लिया, अब इसको ये भी लिख लीजिए, अरे हाँ, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप आप फाइंड आउट करेंगे, ग्रुप वो 2 प्लस n-1 का डी, मतलब डी का n-1, मतलब एक सेल जो पहले जा रहा है उसके डी की बात कर लीजिए, वही होता है ग्रुप नंबर। ठीक है, अब जैसे मैं
मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक 26, 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या किया था, 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था आपका, एक बार चेक कर लेते हैं, 4S2 3D6, ठीक है। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट में डी, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट में डी में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6, और एस में क्या हुआ, 4। तो अब क्या किया आपने, क्या किया, N-1, क्या ये N-1 ही हुआ, अगर N आपका 4 है तो N-1 क्या हुआ, 3 हुआ। तो अब देखिए इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 प्लस N-1 6, तो ये क्या हुआ, 8। मतलब ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, 8th ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आप पीरियडिक टेबल में देखना चाहें तो यहाँ जरा देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो D में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस जो N-1 का D का है वो कर दीजिए, या कुछ जगह पे, या आप ऐसे पढ़ते भी होंगे, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मैं फिर रिकैप कर दूंगा आपको, रिवाइज कर दूंगा। या कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रुप में अगर D ब्लॉक एलिमेंट है तो कुछ मत करो, आउट जो N S का इलेक्ट्रॉन और N-1 D के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो भी वही आएगा। बात तो वही है, जो डी मैं यहाँ 2 ऐड कर रहा हूँ वो एस का ही तो ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए 6 2 8 हो गया ना, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हुआ, 8 हुआ। तो ये होता है डी ब्लॉक का ग्रुप, ठीक है, ये होता है डी ब्लॉक का ग्रुप। तो ऐसा कुछ भी देख लीजिए, मान लीजिए आपने जिंक का लिया, देखिए जिंक का ले लेता हूँ मैं, जिंक का लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये होता है जिंक का, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 19 20, ठीक है ना, ये हुआ। अब मैंने कहा कि अब जब ये डी ब्लॉक का है तो क्या करो, या तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हुआ, 2 प्लस 10 क्या हुआ, 12 हुआ, 12th ग्रुप हुआ। या मैंने कहा 2 प्लस आउटर मोस्ट N-1 जो है, N-1 जो है उसके D को ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस N-1 का क्या हुआ, 10 हुआ, तो 12 ले लीजिए। अब आप यहाँ पे आ गया, जो जिंक का है वो कौन सा ग्रुप है, 12वां नंबर का ग्रुप है। इसको लेक्चर को एक बार और ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब जरा यहाँ देख लीजिए, देखो जिंक कहाँ पे, तुम्हारा 12वें नंबर पे ना, तो बहुत ही ध्यान से देखना, ग्रुप वाला भी क्लियर हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से अब मैं अगली क्लास में मिलूंगा, लेकिन इस चीजों को आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको पीरियडिक ट्रेंड्स सिखाऊंगा, एटॉमिक रेडियस और ये सब, एनोमलस प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगली क्लास में आप इतनी चीजों को पढ़ के आइएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग खुश रहिए, बढ़िया से रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और इस बार सिलेक्शन के लिए जरूर कोशिश करें, आपको श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन लेना है, इस चीज का भी ध्यान रखें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ओके ही रहेगा, ठीक है। देखिए मेरे हाथ में चॉकलेट है, थोड़ा सा मैं खा लूं, मेरी बेटी ने ला के अभी दिया, तो आप लोग भी खुश रहिए, थोड़ा सा हंसते खेलते रहिए, कुछ खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।